नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव राजधानी रायपुर पहुंचे। उनके साथ प्रभारी शैलजा और मोहन मरकाम भी थे। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जो भी हाईकमान जिम्मेदारी देगी उन्हें मैं निराश नहीं करूंगा, ये मेरा पहला कर्तव्य होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, ये बदलाव हुआ है। तो आप देखिए, टीएस सिंह जब एयरपोर्ट पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का मैं पूरी कर्मठता के साथ पालन करूंगा और उस जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा। तो सीएम मिलने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया, आपको बता दें, टीएस सिंहदेव का। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद टीएस सिंहदेव आज दिल्ली से रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद है। बाबा साहब, पहले आप मंत्री थे, मंत्री हैं, और अब मंत्री के सामने जो है अभी उप मुख्य लग गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? उप कप्तान के रूप में कप्तान हमारे थे, हम लोग टीम के मेंबर्स थे। अब एक उप कप्तान को भी कहा गया है कि चिन्हांकित किया गया है कि आप उप कप्तान के रूप में सहयोग कप्तान का करिए, टीम का सहयोग करिए, अपने जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, उनके साथ काम करिए। अब ये हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी में इसमें आपने लगातार जो है आवाज़ को लेकर सवाल भी उठाते रहे हैं, तो आवाज़ को लेकर जो है किस तरह से आप उसके इसमें विधानसभा में भी बात आई थी। एक तो सर्वे भी सरकार करा रही है और बैंक से लोन भी ले रही है, बैंक से लोन लेके ही करने की बात थी, वो क्रियाएं मेरे ख्याल से हो गई हैं, तो काम बरसात के बाद चालू हो जाने चाहिए, चालू भी है और तेजी पकड़ लेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। आप इस जिम्मेदारी से खुश हैं? वो हर जिम्मेदारी से खुश हूँ। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? काम करना, लोगों का विश्वास अर्जित करना, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सब साथियों को साथ लेके चलना और कोशिश करना कि बेहतर परिणाम पार्टी के लिए ला सके। आपके क्षेत्रवासी भयंकर खुश हैं और कल से ही जब से ये खबर सुनी है तब से जो है बाजा गाजा सब बैठ रहे हैं। स्वाभाविक है कि साथी छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ जिनसे संपर्क हुआ, जिनसे स्नेह प्रेम के संबंध बने, जिनके साथ सहयोग लेके हम लोग काम करते हैं, जिनका सहयोग मिलता है, वो खुशी होती है। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से। आज कल पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, हालांकि बीच बीच में जो है मुख्यमंत्री को लेकर जो है ढाई ढाई साल को लेकर ये बात जो है लगातार आती रही, ढाई साल होने पर उसके बाद जो है मंत्री की जिम्मेदारी जो है टीएस सिंहदेव को दिया गया है। अब उनका कहना है कि यह जिम्मेदारी जो है बखूबी बंगवा जनता के बधाई देते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ मैं चित्र पटेल, इंडिया वॉइस रायपुर। एयरपोर्ट से निकलकर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने उनके निवास कार्यालय पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान वहां कुमारी शैलजा, उपर सचिव सुब्रत साहू सहित तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद आपको बता दें पहली बार कार्यालय पहुंचे और वहां पर भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ के, उन्होंने मिठाई खिलाकर टीएस सिंहदेव को शुभकामनाएं दी और जिस दौरान कुमारी शैलजा वहां पर मौजूद थीं। और हमारे साथ रायपुर से चित्रा पटेल हमारी संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रा, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है और क्या मायने लगाए जाएं जिस प्रकार से देखा जा रहा है डिप्टी सीएम बनाया गया है? जी
छत्तीसगढ़ में सियासी विधानसभा 2023 के चुनाव के ठीक 3 महीना पहले कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया है। इसकी जिम्मेदारी कल दिल्ली में पार्टी के बैठक में यह फैसला लिया गया, जिस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर कृष्ण महंत और शिवकुमार डहरिया तमाम जो है वो पहुंचे हुए थे। इसमें उन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा सभी लोग मौजूद थे। इस बैठक में उन्होंने हाईकमान ने फैसला लिया कि टीएस सिंहदेव को उप डिप्टी सीएम बनाने की फैसला ली गई और कल ही बना दिया गया। उसके बाद आज टीएस सिंहदेव दिल्ली से आज रायपुर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट में उनकी भव्य स्वागत हुआ। टीएस सिंहदेव के समर्थक जो है काफी संख्या में पहुंचे हुए थे, फूलमाला मिठाई देकर उनकी स्वागत की, मिठाई खिलाकर स्वागत की। उसके बाद बंगला पहुंचे, बंगला में भी भव्य स्वागत हुआ, बाजे नगाड़े बजाए गए और इस तरह से उनकी स्वागत की गई। टीएस सिंहदेव से हमने चर्चा की, उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, आखिर उप कप्तान बनाया गया और पार्टी की जो उम्मीद है उस पर मैं खड़ा उतरूंगा, छत्तीसगढ़ के जनता के साथ खड़ा हूँ मैं, जनता को साथ लेके चलना है, पार्टी को साथ लेके चलना है, आप एकजुट होकर जो है 2023 के चुनाव की तैयारी को जो है फिर सरकार जो कांग्रेस पार्टी वापस आने की तैयारी के लिए रणनीति तैयार की गई देखा जाए तो। चित्रा, क्या ये माना जाए, ये जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, क्या मायने लगाए जाए उनको डिप्टी सीएम बनाने को लेकर? देखिए, ढाई ढाई साल का मुद्दा जो है तथा कथित जो है लगातार बीच में कभी कभी सीएससी रोज है खुलकर कभी बोलते थे तो कभी इनडायरेक्ट रूप से बोलते थे मीडिया में, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी ने ढाई ढाई साल का जो फार्मूला है वह जो है मीडिया की देन करार की। उसके बाद जो है आखिर जो है कल बैठक में डिप्टी सीएम बनाया गया टीएस सिंहदेव को। टीएस सिंहदेव ने पहले भी कहा था कि मीडिया की दिन है, ऐसे कोई बात बंद कमरे की बात है और उसमें क्या बात हुई है उसको दो ही के बीच में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया और छत्तीसगढ़ के विधानसभा 2023 में चुनाव होना है उसको लेकर जो है कल दिल्ली में बैठक हुई, रणनीति तैयार किया गया और जो है इसमें कई पद है उसको जो है दिया गया और हटाया भी जा रहा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है जो एक टू है उनको पढ़ दिया जा रहा है, जो निष्क्रिय है उनको हटाया जा रहा है। टीएस बाबा को जो है उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको देखने से यह लगता है कि 2023 में जो है एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी फिर से छत्तीसगढ़ में सत्ता बनाने की रणनीति तैयार कर रही है और उसने वापसी की पूरी कमर कस ली है, और इस पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर टीएस सिंहदेव को बधाई दी। आज सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, साथ में छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा भी मौजूद थी। जी चित्रा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है टीएस सिंहदेव को डिप्टी सिंह बनाने पर? जी, वही विपक्ष पार्टी होने के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी जबरदस्त जो है कांग्रेस को घेरा है। रमन सिंह का कहना है कि टीएस सिंहदेव को जो है झुंझुना पकड़ा दिया गया है, क्योंकि वो पहले सीएम के चेहरे थे और उनको सीएम का चेहरा जो है भूपेश बघेल का भर चुका है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त घेरा है और यह भी कहा है कि हाईकमान के दबाव में टीएस सिंहदेव ने यह पद ग्रहण किया है। जी बिल्कुल, बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है और आपका कहना है कि बीजेपी घेर रही है टीएस सिंधु को सीएम बनाने पर, तो क्या ये माना जाए कांग्रेस की तरफ से भी कोई अंतर विरोध देखा गया उनको सीएम बनाने को लेकर, क्योंकि 3 महीने पहले डिप्टी सीएम बनाने के बहुत मायने लगाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए कि 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने और मात्र 3 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाना टीएस सिंहदेव को क्या दर्शाता है और आवाम में किस प्रकार से मैसेज जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है तो उन्होंने जबरदस्त पहले भी घेरा है, वह भी सवाल उठाते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं है, अंदरूनी जो है
टकराव है टीएससी और भूपेश बघेल के बीच में टकराव लगातार बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस मुद्दा को उठाते रही है, लेकिन देखना यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यही कहते रहे हैं और टीएससी दो भी यही कहते रहे हैं कि जय विरू का जोड़ी जो है हमेशा है और आगे भी बना रहेगा, एकता कभी नहीं टूटेगी। एकता के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को जो है डटकर मुकाबला करेगी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चित्रा आपका। तो आपको बता दें डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और अभिवंदन, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साथ में कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री पद देकर झुंझुना पकड़ा दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल पर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टीएस सिंहदेव के बाद अब नंद कुमार साय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नंद कुमार साय हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के बाद पार्टी ने बड़े फैसले लिए हैं। आज देश भर में ईद उल अज़हा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी और उसके बाद कब्रिस्तान में अपने बुजुर्गों की दरगाह पर जाकर उन्हें याद किया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी देने की प्रथा शुरू की थी। बलौदा बाजार में आज मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। लोगों ने पहले नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाया तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं बलौदा बाजार की। आज बकरीद का त्यौहार है और मुस्लिम समुदाय इसको मना रहा है। सुबह लोगों ने जाकर सभी लोगों ने अपने मस्जिद में नमाज को अदा किया, फिर एक दूसरे से गले मिले और सभी को बकरीद की बधाई दी। उसके बाद कुर्बानी दी गई। देखा जा रहा आज बकरीद का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काकरे जिले के कापसी वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के पेंगुलिन की तस्करी कर रहे तीन तस्कर को पकड़ लिया गया है। तीनों आरोपियों के कब्जे से 11 किलो 500 ग्राम के एक जिंदा पेंगुलिन जब्त किया गया। साथ ही तस्करी करते उपयोग में लाया गया मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। तो आपको बता दें काकेर में कब्जे में जिंदा पेंगुलिन को बरामद किया गया और जो तस्करी कर रहा था उसको पकड़ लिया है। वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है आपको बता दें। और साथ ही साथ पेंगुलिन की तस्करी मामले में तीन तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कब्जे से जिंदा पेंगुलिन भी बरामद की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग को ये बड़ी कामयाबी मिली है कांकेर की ये घटना बताई जा रही है। पेंगुलिन के तस्करी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
सैनिक स्कूल अंबिकापुर में छठवीं कक्षा के एक कैडेट की बुधवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सैनिक स्कूल प्रबंधन द्वारा गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र ने 6 दिन पहले ही एडमिशन लिया था और बुधवार की सुबह नाश्ते के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वहीं सूचना पर छात्र के परिजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। अस्पताल पहुंचे छात्र की मां का कहना है, मेरी बेटी की तबीयत 2 दिन से खराब थी तो उन्हें सूचना क्यों नहीं दी गई। तो आपको बता दें, सैनिक स्कूल के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हुई अंबिकापुर में और तस्वीरें आप देख सकते हैं। 1 सप्ताह पहले एडमिशन हुआ था। बताया जा रहा है कि परिवार ने तमाम आरोप स्कूल पर लगाए। नाश्ते के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ी थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सैनिक स्कूल के छात्र के संदिग्ध मौत होने के बाद प्रशासन में हड़कंप देखा जा रहा है। 1 सप्ताह पहले छात्र का स्कूल में एडमिशन हुआ था। बूथ चलो अभियान के तहत छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा खुर्सी पार पहुंची, जहां बूथ प्रभारी और वार्ड के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। कुमारी शैलजा ने सबसे पहले खुर्सी पार राम मंदिर में दर्शन किए और मंदिर प्रांगण में ही कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा शुरू की। आपको बता दें, इस दौरान भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल भी मौजूद रहे। दुर्ग जिला SDRF की ओर से आज शिवनाथ नदी के महमदा एनिकॉट में बने दुर्ग नगर निगम और भिलाई नगर निगम के इंट कवेल में फंसे हुए कचरे और जलकुंभी को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें, इसके साथ ही नदी में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगातार बचाव कार्य को लेकर टीम निगरानी कर रही है। जहां जहां जल प्रदाय का कार्य प्रभावित हुआ है, इसकी जानकारी दुर्ग जिला SDRF अधिकारी नागेंद्र सिंह ने मीडिया को देते हुए बताया कि विगत कई सालों में से टीम बारिश के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए लगातार काम करती है। कांकेर के जामा मस्जिद में सुबह से ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। जिले भर में हर्षोल्लास से बकरीद का त्यौहार मनाया गया। वहीं इस मौके पर नमाज अदा करने के बाद लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी है। आगे जगदलपुर में कलेक्टर श्री विजय दयाराम की नानगुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में OPD की स्थिति, पुरुष वार्ड, ऑपरेशन कक्ष सहित अन्य कक्षों का जायजा लिया और स्वास्थ्य केंद्र में किए जा रहे रिनोवेशन कार्य में देरी के लिए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी को दूरभाष में जीर्णोद्धार कार्य को जल्द पूरा करवाने के निर्देश भी दिए हैं। दुर्ग जिले में लगातार बारिश की वजह से शिवनाथ नदी 7 फीट ऊपर बह रही है। जून महीने में पहली बार इतनी बारिश से नदी उफान पर है। प्रशासन ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। NDRF के साथ बचाव टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिवनाथ नदी में ऐसे ही पानी आता रहा तो जल्दी बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
तो आपको बता दें एनडीआरएफ की टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये शिवनाथ नदी में लगातार पानी है, बढ़ता जा रहा है, बारिश की वजह से उफान पर दिखाई दे रही है शिवनाथ नदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रशासन ने आसपास के जिलों को अलर्ट कर दिया है, पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है, एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसे हालात रहे तो आगे चलकर बाढ़ जैसे हालात इलाके में बन सकते हैं, तो प्रशासन ने आसपास के जिलों को अलर्ट कर दिया है। बस्तर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज डिमरापाल अस्पताल में डॉक्टर ने एक बार फिर से बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दरअसल यहां डॉक्टर ने 48 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखी एक 1.5 साल की बच्ची को मौत के मुंह से बाहर निकाला और उसे नई जिंदगी दे दी। दरअसल बच्ची मलेरिया और जापानी बुखार से पीड़ित थी। मलेरिया बच्ची के दिमाग पर चढ़ गया था, लेकिन डॉक्टर ने सूझबूझ और 48 घंटों तक किए गए बेहतर इलाज से बच्ची की जिंदगी बचा ली। इससे बच्ची के माता पिता काफी खुश हैं और उन्होंने डिमरापाल के डॉक्टर्स की टीम को धन्यवाद अदा किया है। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।